नमस्कार, द रूस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एग्जिट पोल बाहर आ चुके हैं और तमाम न्यूज चैनल आपको एक आंकड़ा दिखा रहे हैं कि एनडीए अपनी सीट रिटेन करने वाली, यानी सेंट्रल में जो केंद्र में जो सरकार है वो बीजेपी की ही बनने वाली है और कांग्रेस का कुछ भी नहीं होने वाला है 2019 के चुनावों में। क्या आपको लगता है जितने भी आंकड़े हैं ये सही हैं या फिर आपको भी डाउट है? जी हाँ, जो संख्याएं हमें दी गई थीं वो है 300 से लेकर 350, जो कि बीजेपी यानी एनडीए के खेमे में जारी है, और कांग्रेस को 120 से लेकर 130 में ही संतुष्टि बनानी पड़ रही है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ब्रेकअप नहीं नजर आया। हमने जरूर कुछ पल लगाए हैं, कुछ समय लगाया है आप तक एग्जिट पोल का सही विश्लेषण लाने के लिए, क्योंकि हमने इतना समय इसलिए गवाया क्योंकि हम चाहते थे कि आपको वो सही एग्जिट पोल की संख्याएं दी जाएं जो हकीकत में सही हो। यानी हमने वो तमाम एग्जिट पोल्स को छाना है, पूरी रात हम लगे हैं, दिन भर लगे हैं, तब जाके हमको कुछ एक पर्दा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो संख्या जो आपको दिखाई जा रही है वो शायद सही नहीं है। 23 तारीख तक कुछ लोग खुश हो सकते हैं, लड्डू पेड़े बांट सकते हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ऑर्डर करे गए लड्डू हैं वो वहीं के वहीं रह जाएं और वो किसी और खेमे में चले जाएं। और ऐसा भी हो सकता है जो खेमे में अभी बादल गरज रहे हैं, उदासी के बादल छाए हैं, वो बरकरार रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीए और एनडीए में चल रहे घमासान की, और इस जो एग्जिट पोल बाहर आया है इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई हैं, जो तैयारियां शुरू हुई हैं, उनका 23 तारीख पर असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो ये संख्याएं आई हैं, क्या ये हकीकत में सही संख्याएं हैं? जो आई हैं इन पे इतना डाउट क्यों हो रहा है, क्यों इसने इतनी कंफ्यूजन पैदा कर रखी है? सबसे पहले हम देखते हैं सी वोटर, जो कि कहते हैं बीजेपी को 287 सीट्स मिलने वाले हैं। वहीं पर वो ये कहते हैं कांग्रेस को 128 मिलेंगे और जो बाकी हैं उनको मिलेंगे 127। टाइम्स नाउ की अगर आप बात करें तो टाइम्स नाउ का कहना है कि बीजेपी को मिलेंगे 306, कांग्रेस को मिलेगा 132 और जो बाकी हैं उनको मिलेंगे 104। इसके बाद बात करते हैं न्यूज़ 18 का यह कहना है कि बीजेपी को 305 मिल सकते हैं, कांग्रेस को 128 और जो अन्य हैं उनको 85 के आसपास मिलने की संभावनाएं हैं। न्यूज़ नेशन की भी हम बात करें तो 280 से लेकर 290 तक न्यूज़ नेशन बताते हैं बीजेपी के लिए, 118 से लेकर 126 तक बताते हैं कांग्रेस के लिए। इसके साथ साथ जो 130 से लेकर 138 जो संख्या है, जो सीटें हैं, वो बाकियों के लिए बताई जा रही है। इंडिया टुडे एक्सेस की अगर आप बात करें, इन्होंने सबसे ज्यादा आंका है बीजेपी के लिए, जिसपे सबसे ज्यादा बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। इंडिया टुडे एक्सेस का ये कहना है बीजेपी को 340 से लेके 365 सीटें मिल सकती हैं। यानी ये तब कहा जा रहा है जब पीएम मोदी की हवा नहीं है। इंडिया टुडे एक्सेस की अगर हम बात करें, 77 सीटों से लेके 108 सीटें वो बताते हैं कांग्रेस के लिए और अन्य के लिए बताते हैं 70 से 85 के लिए। खैर, इसके बाद सुदर्शन और चिंतामणि, ये तमाम लोग 350 के आसपास बीजेपी को सीटें दे चुके हैं। इसके बाद अंत में बात करते हैं न्यूज़ एक्स नेता की। न्यूज़ एक्स नेता एक इकलौता ऐसा एग्जिट पोल है जिसने बीजेपी को 250 से भी कम अंक दिए हैं। अगर इनकी माने तो 242 बीजेपी को मिलेंगे, 164 जो है कांग्रेस को मिलेंगे और 136 बाकियों को मिलेंगे। लेकिन आप जिस भी एग्जिट पोल को देखें तो बीजेपी काफी आगे नजर आती है, उसके ठीक आधे में ही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आती है। लेकिन ये आंकड़े वो हैं जो आपको बताए गए थे। अगर आप देखें पूरे भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो किंग मेकर का काम करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, इनके पास 80 सीटें हैं। उसके बाद बात आती है महाराष्ट्र जिसमें 48 सीटें हैं। उसके बाद बात आती है वेस्ट बंगाल जिसमें 42 सीटें हैं। उसके बाद बिहार 40 सीटों के साथ, और तमिलनाडु और पौंडीचेरी दोनों को मिलाएं तो 40 सीटें बनती नजर आती हैं। इससे पहले कि हम वो आंकड़े आपको दिखाएं जो कि शायद एक बड़ा संख्या ना हो, लेकिन हम राज्य दर राज्य आपको खुल के बताने वाले हैं कि कौन सा राज्य किसको कितने सीट्स देने वाला है।
सबसे पहले दक्षिण भारत की बात कर ले, दक्षिण भारत में 5 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे अहम जो है वो तमिलनाडु आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद कर्नाटका आता है, तेलंगाना आता है और केरला आता है। तमिलनाडु की अगर आप बात करें, यहाँ पर 39 यहाँ पे सीटें हैं, 39 सीटों में जो डीएमके और कांग्रेस का जो एक साथ है, जो एक गठबंधन है, वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि इन लोगों को यहाँ पर तकरीबन 30 से लेके 36 सीटें यहाँ पे मिल सकती हैं। यानी तकरीबन जो ऑपोजिशन है यहाँ पे AIADMK और BJP का एक तरह से क्लीन स्वीप होने वाला है। दक्षिण भारत का ही एक और राज्य है कर्नाटका, जहाँ पर इसका उलट होने वाला है, यानी यहाँ पर कांग्रेस का सफाया दिखता नजर आ रहा है और BJP यहाँ पर अपने झंडे गाड़ने में सफल हो चुकी है। यानी कर्नाटका की अगर आप बात करें, कुल मिला के 28 सीटें यहाँ पे हैं और 28 सीटों में अगर आपको बताएं तो सीधे सीधे 21 से लेके 25 सीटें BJP के खेमे यानी NDA के खेमे में जाती हुई हमें नजर आती है। जहां पर जो कांग्रेस की अगर आप बात करें, UPA की अगर हम बात करें, तो यहां पर UPA को सिर्फ 3 से 5 सीटों में ही संतुष्टि बनानी पड़ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केरला की। केरला में भी यानी ये 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में से केरला के पास जो है 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों में कांग्रेस आराम से 15 से 16 सीटें बनाती नजर आ रही है और जहां की जो रीजनल पार्टीज हैं उनको 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। BJP का शायद यहां पे खाता भी ना खुल पाए, हो सकेगा अगर कुछ खुल भी गया तो शायद 1 सीट यहां पे आ सकती है BJP के लिए। जो एक और बहुत अहम राज्य है इन दोनों ही पार्टियों के लिए, वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर KCR, YSR और चंद्रबाबू नायडू, इन तीनों का ही तगड़ा कंपटीशन है। जहाँ पर पहले तेलंगाना की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना में BJP को सिर्फ 1 से 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, TRS जो कि KCR की पार्टी है उनको बढ़त मिलती नजर आ रही है, जिनको 13 सीटें मिल सकती हैं 17 में से, और जो AIMIM है उसको शायद 1 सीट मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में 2 तरह के आंकड़े नजर आते हैं। एक खेमा यह कहता है कि वहां पर जो TDP है, जो चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसको 14 सीटें मिलेंगी और YSR कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें मिलेंगी और बाकी जो BJP एंड कांग्रेस है इन दोनों का ही खाता यहाँ पे नहीं खुल सकता है। उसके उलट जो एक और आंकड़ा बताता है वो ये कहता है कि चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं और YSR कांग्रेस को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। यानी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं YSR कांग्रेस यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी BJP और कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई है। अगर हम पूरे दक्षिण भारत की बात करें, पूरे दक्षिण भारत में 130 सीटें आती हैं। इन 130 सीटों में जो कर्नाटका है वहाँ से ही BJP को फ़ायदा मिलता नज़र आता है। अगर आप तेलंगाना के KCR की बात करें, वो भी अभी मौन है, वो भी किस तरफ पलटेंगे ये नहीं पता है। इसके अलावा अगर YSR की बात करें तो YSR ने भी अपनी स्थिति साफ नहीं करी है। सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर मान लीजिए 130 सीटों में जो KCR को और YSR को दोनों को मिला के अगर 20-30 सीटें हटा भी दी जाएं और जो BJP को मिलने वाली सीट है 25 उसको भी हटा दिया जाए, तो भी जो UPA है ये एक तरह से 70 के आसपास सीटें इसी क्षेत्र से, इन्हीं 5 राज्यों से ले आएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी इनका साथ देता है तो ये आंकड़ा 100 तक छू सकता है। यानी अगर आप दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में जो UPA है वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग नज़र आ रही है। यानी दक्षिण भारत में BJP का तकरीबन सफाया सा होता हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा जो राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो जो एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो चाणक्य एक का एग्जिट पोल ऐसा बताता है कि 65 सीटें BJP को इस बारी मिल जाएंगी। टाइम्स नाउ कहते हैं कि 58 सीटें मिल जाएंगी। न्यूज़ 18 कहते हैं कि 60 से 62 सीटें मिल जाएंगी। इंडिया टुडे कहते हैं कि 65 सीटें मिल जाएंगी। सी वोटर कहते हैं कि 38 और न्यूज़ एक्स कहते हैं कि 33 सीटें इनको मिल जाएंगी। जो महागठबंधन है, महागठबंधन को इनके हिसाब से 13, 2, 17
या फिर 19, 13, 40 और 41, यानी सी वोटर और न्यूज़ एक्स की अगर आप बात करें, इनको तकरीबन 40 या फिर 41 सीट्स मिलने की संभावना है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पे नज़र आता है कि तकरीबन 30 से 35 सीटें यूपीए की तरफ जा सकती हैं, यानी जो महागठबंधन है अगर ये साथ देते हैं कांग्रेस का तो शायद यहाँ से 30-35 सीटें मिल सकती हैं, यानी उत्तर प्रदेश से ही मिल सकती हैं और बाकी की सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला वेस्ट बंगाल, यानी ममता बनर्जी का गढ़। जी हाँ, ममता बनर्जी का गढ़ अगर आप देखें वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को 11 कुछ 18 कहीं पर फिर से 11 कहीं पर 19 से 23 सीटें तक दिखाई पड़ती हैं और जो एबीपी के नेल्सन हैं वो 16 सीटें बताते हैं और जो टीएमसी है उसको 28, 23, 29, 24 इस तरह के अंक आंकड़े दिखाए गए हैं। अगर आप देखें कांग्रेस को इधर पूरे वेस्ट बंगाल में 1-2 सीटें ही नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें टीएमसी को तो टीएमसी काफ़ी हद तक अपनी पोजीशन बनाए रखने में सफलता पा सकती है, यानी वहाँ पर भले ही बीजेपी को कुछ एक सीटें मिल जाएं, लेकिन बीजेपी वहाँ पर सत्ता नहीं बना सकती है क्योंकि पहले से ही ममता बनर्जी और कांग्रेस की साठ गांठ की बातें बाहर आ चुकी हैं। अगर कांग्रेस को वहाँ पे 2 और टीएमसी को 28 सीटें मिलती हैं तो तकरीबन 30 सीटें यहाँ पर भी, यानी वेस्ट बंगाल से भी यूपीए के खेमे में जा सकती हैं। अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में भी कुछ कांग्रेस अच्छा नहीं करती दिखाई देती है। बिहार में अगर आप देखें तो बीजेपी 30 के आसपास अपने आंकड़े बताती है और जो कम से कम जो आंकड़े हैं वो है 29 के, यानी कहीं ना कहीं 25 से लेके 30 के आसपास बीजेपी बिहार में ले आएगी और जो कांग्रेस है उसको कई जगहों पे उसका खाता भी नहीं शायद खुल सकता है और कई जगहों पे उसको 4 या फिर 5 सीटों में संतुष्टि बनानी पड़ सकती है। अलायंस की भी अगर आप बात करें वो भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बिहार बीजेपी का साथ देगा और यहाँ पर बीजेपी को कुछ 25 से लेकर 30 सीटें मिलने की संभावना नज़र आती है। इसके बाद एक और बड़ा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमेशा ही एक हिंदुत्व के ऊपर चलता हुआ नज़र आता है, यानी वहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहाँ पर भी हमें बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आंकड़े बताते हैं वो 35 से 38 सीटों के आसपास बीजेपी को वहाँ से मिल पाएंगे और कांग्रेस को 6 से लेकर 10 सीटों में ही संतुष्टि बनाई रखनी पड़ सकती है और जो बाकी लोग हैं उनको उनका शायद खाता खुलना भी संभव नहीं लगता है यहाँ पर, लेकिन बीजेपी को डेफिनेटली यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। 35 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से बीजेपी को मिल सकती हैं। एक और बीजेपी का गढ़, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में, प्रज्ञा सिंह और दिग्विजय सिंह जी की बातें चलती रहीं, ठीक। और यहाँ का अगर आप बात करें तो बीजेपी का क्योंकि गढ़ है मध्य प्रदेश तो यहाँ पर भी कुछ 25 से 26 सीटें आती नज़र आती हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस को कुछ 4 या फिर 5 सीटों में ही खुशी बनानी पड़ सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में भले ही 7 सीटें हों लेकिन हमेशा केंद्र में जो भी सरकार है उसकी नज़र दिल्ली में बनी रहती है। यहाँ की अगर हम बात करें तो दिल्ली में साफ तौर पर बीजेपी का कब्जा होता नज़र आ रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो हैं 7, जो सबसे कम हैं वो हैं 6 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 या फिर 2 सीटें ही मिलती नज़र आ रही हैं। आम आदमी पार्टी जो कि वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसको किसी भी एग्जिट पोल ने 1 भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। अंत में राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान भी बीजेपी का बहुत बड़ा गढ़ है। राजस्थान में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बीजेपी एकदम साफ करेगी कांग्रेस को, यहाँ पर भी बीजेपी को मिलेंगे 22 से लेके 25 के आसपास की सीटें। कांग्रेस को संतुष्टि बनानी पड़ सकती है शायद 1 सीट से और जो अन्य हैं उनका शायद खाता नहीं खुल सकता है। तो ये है पूरा आंकड़ा जो राज्य भर राज्य हमने एनालाइज करने की कोशिश करी है आपके लिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाने वाला गुजरात, गुजरात भी एक तरह से बीजेपी का ही गढ़ माना जाता था लेकिन गुजरात की अगर आप बात करें तो बीजेपी को 23 या फिर
22 सीटें मिलने के अनुमान है और जो कांग्रेस है उसको 3 से 4 सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकता है। अगर इस तमाम विश्लेषण का हम हल निकाल के देखें तो दो तरह के हल आते हैं। एक वो जो तमाम एग्जिट पोल्स ने दिखाए हैं जिसमें बीजेपी साफ तौर पर जीतती हुई ही नजर आती है। एक और विश्लेषण है जो हमने ये तमाम जितने भी एग्जिट पोल्स हैं इन सबका मिलान करने के बाद हमने देखा है, तो उसके हिसाब से अगर हम आपको बताएं तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस को यकीनी तौर पर 110 से लेके 120 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी पूरे भारत में। जो यहाँ पर एग्जिट पोल हमें बताता है, जो एग्जिस्टिंग एग्जिट पोल है वो भी हमें यही आंकड़ा दिखाता है कि कांग्रेस को 120 से लेके 130, 140 के आसपास ही सीटें मिलेंगी। हम यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 117 से लेके 120 सीटें ही दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किंग मेकर्स की भूमिका बहुत बड़ी नज़र आती है, यानी चंद्रबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश कुमार यादव, इसके बाद ममता बनर्जी और तमाम छोटे मोटे और जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो कांग्रेस का साथ देती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी अगर संख्या आप मिलाएं तो ये संख्या पार करती है 160 से लेके 170 तक। अगर आप कांग्रेस के खुद के सीट्स को और बाकी राज्य की पार्टियों को मिलान करें तो ये आंकड़ा पार कर जाता है 280 का। अगर आप कांग्रेस को अलग से देखें तो यकीनी तौर पर कांग्रेस अभी भी कांग्रेस की कोई हवा नहीं है, राहुल गांधी पर उतना विश्वास नहीं है देश की जनता को जितना कि पीएम मोदी और बीजेपी के ऊपर दिखाया जा रहा है, लेकिन शायद बैकफुट पर जा सकती है क्योंकि बीजेपी 200 से लेके 220 के आसपास आंकड़े लेते हुए नजर आ रही है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, और जो उनके बाकी अलायंस हैं उनको कुछ 30-40 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 लेके आ सकते हैं। यानी अगर बीजेपी के 220 और 50 भी मिलाएं तो 270 के आसपास वो लोग भी पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस और उसके अलायंस का जो जुड़ाव है वो ज़्यादा जाइंटिक है, वो ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। यानी अगर इस कैलकुलेशन को देखें, यानी राज्य दर राज्य अगर आप कैलकुलेशन करें तो शायद कांग्रेस सत्ता वापसी कर सकती है, लेकिन यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एग्जिट पोल्स एक अंक होता है, एक अनुमान होता है कि शायद ये संख्या आ सके। कभी भी एग्जिट पोल्स इतने सही नहीं हो पाए हैं। ये हमारी जोड़ तोड़ की कोशिश थी कि आपको ये समझाया जा सके कि एक वो आंकड़े हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स उसी के बुनियाद पर काम कर रहे हैं जो हमारा आंकड़ा है। हमने ये तमाम एग्जिट पोल्स का विश्लेषण किया है, राज्य दर राज्य हमने अलग अलग करके इस विश्लेषण को जोड़ा है, तब जाके हम इस संख्या में पहुंचे हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। केंद्र में सरकार चाहे जिसकी आए, चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की हो, एक चीज साफ नजर आती है, इन दोनों में से ही किसी को भी बहुमत नहीं मिल सकता है। यानी जोड़ तोड़ की सरकार इस बार बनने जा रही है। किंग मेकर कौन होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 23 तारीख को रिजल्ट बाहर आ जाएगा, ये जो भी अंक गणित है ये सबको समझ में आ जाएगा, कौन है सही और कौन है गलत, किसका एग्जिट पोल जीता और किसका एग्जिट पोल हारा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ रूस्टर न्यूज, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।